हेलो एवरीबॉडी। देखते देखते डीडीओ को 14 ईयर हो गए हैं और हम 15वें साल में प्रवेश कर गए हैं। 15 अगस्त 2005 को हमने इसकी स्थापना की थी और अब 2019 हो गया, 15 ईयर्स में हम एंटर कर गए हैं। तो आज मेरा ये मैसेज स्टूडेंट के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि कोचिंग सेंटर्स के लिए है। आप थोड़ा सा आश्चर्य कर रहे होंगे कि कोचिंग सेंटर के लिए क्यों, लेकिन मुझे लगा कि कोचिंग सेंटर स्पेशली जो डिफेंस की प्रिपरेशन करा रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज है। हमने 2005 में दून डिफेंस एकेडमी की स्थापना की। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे फैकल्टी स्टाफ रहा जो धीरे धीरे हमसे जुड़ा और आगे अपना उन्होंने काम स्टार्ट किया। कोई बुराई नहीं है इसमें, फेयर इनफ। मगर जहाँ से मुझे एक चीज़ का थोड़ा दुख होता है कि जहाँ से उन्होंने सीखा, जहाँ से उन्होंने जाना, उसी संस्था को वो बदनाम करने के लिए या नीचे दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। स्पेशली एज ए फैकल्टी, एज ए स्टाफ, मेरे दिल में उनके लिए हमेशा से रिस्पेक्ट है, आज भी है। बट आई डोंट नो, क्योंकि देखिए मैंने भी अगर यहाँ दून डिफेंस एकेडमी का कुछ सीखा है, कैसे इसको चलाना है, तो मैं इंडियन नेवी का आज भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसी की बदौलत मैं आज जो भी कुछ हूँ उसी की बदौलत हूँ। तो अगर आप लोगों ने भी अगर दून डिफेंस एकेडमी से कुछ सीखा है, कुछ जाना है, तो मेरा पर्सनल व्यू है कि आपको एटलीस्ट थोड़ा रिगार्ड्स रहना चाहिए। और आपको एक चीज़ और नहीं भूलनी चाहिए कि मैं एक्स नेवी नेवल पर्सन हूँ, मैं एक्स सर्विस मैन। बट मेरे बारे में उल्टी सीधी चीज़ें या कई सारी ऐसी चीज़ें जो शोभा नहीं देती आपको। ज़्यादातर टाइम आप लोगों का, मैं ये नहीं कहता सब लोग, बट कुछ लोग ज़्यादातर टाइम आकर नेगेटिव एनर्जी में जाता है। सी देखिए, मैं 2005 से एकेडमी चला रहा हूँ, इसके लिए दिन रात एक किया, मेहनत की है, ओवरनाइट कुछ भी सक्सेस नहीं मिलती। मेरा आपको एडवाइस देने का भी या कुछ कहने का भी कोई अधिकार नहीं है, आई एम नो वन। बट बीइंग सीनियर पर्सन इन दिस इंडस्ट्री, एटलीस्ट इन डिफेंस इंडस्ट्री, दो चार चीज़ें हैं, आप माने ना माने, इट्स योर विश। आप अपनी पॉजिटिव, आपकी एनर्जी वो पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं, पॉजिटिव चीज़ों में ही आप, अगर इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, क्योंकि किसी की लाइन को छोटा करके आप अपनी लाइन बड़ी नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर ले, आप देहरादून एक हब माना जाता है एजुकेशन के लिए। बाहर से बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, पेरेंट्स बड़े विश्वास के साथ यहाँ अपने बच्चों को भेजते हैं। तो ये हमारी आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको सही एजुकेशन दें, सही रास्ता दिखाएं। मैं अपने आप को कोई महान नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई महान आदमी हूँ या मैं ही सही करता हूँ, आप भी सही करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यह देखा है कि कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो अपने हमारा माइंड भटका के कोचिंग से हटकर इधर दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं। हमें देहरादून की उस डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए, उत्तराखंड की उस डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए जिसके विश्वास से बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजा जाता है। बहुत से स्टाफ यहाँ से, बहुत से फैकल्टी यहाँ से छोड़ के अपना अपना काम शुरू किया है, और वो कोई बुरा नहीं है, फेयर इनफ, और मैं उनको दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने आज तक किसी के लिए, किसी के बारे में कोई बुरा नहीं कहा, क्योंकि वो हमारी पॉलिसी में है ही नहीं। सच्ची मेहनत, सच्ची लगन और सच्चे इरादे से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों को दिखता होगा कि ओवरनाइट यू नो इतना सब कुछ हो गया है, दून डिफेंस एकेडमी में तो हम भी सब कुछ कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, it is not possible. You have to work hard. If you want to get success, you have to work hard. There is no other option. Shortcut कुछ नहीं है। कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, फेसबुक पेज और सोशल मीडिया पेज और बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं हमारे एकेडमी से। यार आप लोग सीखते हैं तो कम से कम जो आप वीडियो को देख के सीखते हैं तो थोड़ा सा तो रिकॉर्ड रखिए, थोड़ा सा तो आपके दिल में रिगार्ड होना चाहिए कि जहाँ से देखिए आज आप बने बड़े हैं, बने हुए हैं, आपने एक ज़िंदगी में मुकाम हासिल किया है, तो थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसके लिए।
तो ये मेरा मैसेज आज उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए है जो डिफेंस में बच्चों को प्रिपरेशन कराना चाहते हैं। डिफेंस में प्रिपरेशन के लिए आप हमें खुद को क्लीन होना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे खुद के कुछ उसूल होने पड़ेंगे, तब जाके तो हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। मैं कई बार देखता हूँ हमारी गली में ही हमारे आस पास अपने पर्चे बांटते हैं फेसबुक पे या गूगल में, रिव्यू डलाते हैं नेगेटिव। कुछ नहीं होने वाला इससे, कुछ नहीं होने वाला, बिलीव मी। अगर आपको सक्सेस लेनी है तो आपको पॉजिटिव नोट पे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, उसका कोई अदर वे नहीं है, देयर इज नो अदर वे। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ जो कुछ कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, आप डीडी की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए हैं, कुछ आपने सीखा है, कुछ आपने अचीव किया है अगर डीडी की वजह से, तो थोड़ा सा दिमाग में एक बार ज़रूर सोचें, मन में एक बार ज़रूर शांति से सोचें। आप देखिए कितने सारे इंस्टीट्यूट, जितने आईएएस थे, पीसीएस के थे, बैंक के थे, सब ने डिफेंस अकेडमी अपने नाम पर आगे लगा लिया है। दैट मीन्स स्कोप है, कि आप लोगों को भी लग रहा है। तो ये इसमें आप लोग डिनाई नहीं कर सकते कि ये दून डिफेंस अकेडमी की वजह से है। 2005 से पहले ऐसा कुछ नहीं था, बस जब से दून डिफेंस अकेडमी की स्थापना हुई है धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, ये आप भी मानते हैं। करणपुर का पूरा एरिया डिफेंस की कोचिंग से भर गया है, पहले नहीं था ऐसे। तो कुछ तो आपने सीखा होगा डीडीए से, थोड़ा तो रिगार्ड रखिए मानवता के नाते, एज ए ह्यूमन बींग। जेलियसिस ठीक है, जलना या ये सब ठीक है, बट उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो मैं आपसे यही आह्वान करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी लगाएं, इसमें आपका खर्चा भी कम होगा। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी लगाएंगे, ना कि स्पर्धा रहेगी कि ये ऐड दे रहा है तो मैं भी ऐड दूँ, ये ऐसे कर रहा तो मैं भी ऐसे करूँ, ये इवेंट्स कर रहा तो मैं इवेंट्स करूँ, इसमें खर्चा भी आपका डबल होगा, हमारा डबल होगा, और हम इसी चीज़ों में लगे रहेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, विनती है कि अपने अपने काम पे ध्यान दें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ें और बच्चों को सही एजुकेशन दें। मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दून डिफेंस अकेडमी बहुत महान, मुझे कोई लेक्चर देने का उपदेश देने का कोई हक है, क्योंकि मैं पुराना हूँ। आप माने ना माने, आपने बहुत कुछ डीडीए से सीखा है, वो दिखता है, सबको मालूम है, वो आपके वेबसाइट में, आपके फेसबुक पे, आपके स्टाइल में, सब जगह दिखता है वो। तो आप माने ना माने, वो सच्चाई बदलने नहीं वाली है। थोड़ा सा तो रिगार्ड्स करें, चलो उसका ना करें लेकिन इसका तो रिगार्ड्स करें कि मैं एक्स नेवी नेवल पर्सन हूँ, एक्स नेवी पर्सन हूँ, सबमरीनर हूँ, रिटायर्ड इंडियन नेवी से हूँ। आप अपने प्रोग्राम में डिफेंस पर्सन का, एक्स नेवी वालों का, आर्मी वालों का रिगार्ड्स करते हैं, तो उतना तो रिगार्ड्स बनता है ना मेरा। एनी वे, विश यू ऑल द बेस्ट, और यही कहना चाहता हूँ, अगर आप समझे तो ठीक है ना, अदरवाइज योर विश। थैंक यू।